हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप सबके साथ चिकन दाना की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ऊपर से ये बहुत ही क्रिस्पी होती है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर फटाफट से बिना किसी देर के इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इस चिकन दाना को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 किलो चिकन लिया है, जिसको 1 इंच के टुकड़ों में काट लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून नमक और 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हंकर्ड, 1/2 नींबू का जूस, 1 अंडा और फूड कलर। फूड कलर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है, लेकिन यह बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं 3 से 4 बड़े चम्मच भरकर मैंने यहाँ पे कॉर्न स्टार्च लिया है, यानी कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच चावल का आटा इसमें ऐड कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर देंगे और इसे लेट लगाकर लगभग 2 से 2.5 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर मुझे थोड़ा कॉर्नफ्लोर कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून और कॉर्नफ्लोर को ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे लीड लगाकर 2 से 2.5 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप कम से कम 1 घंटे इसे ज़रूर मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें। तो 2 घंटे हो चुके हैं, चलिए अब इसे हम फ्राई करने के लिए तरफ चलते हैं। एक तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ये ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसमें एक एक करके चिकन दाना को डाल देंगे। आप तेल को अच्छा गरम करें, यानी तेज़ फ्लेम पे गरम करें, और जब आप चिकन को डाल दें उसके बाद आप 3 से 4 मिनट तक इसे बिल्कुल भी चम्मच टच ना करें, नहीं तो इसके ऊपर लगी कोटिंग निकल जाएगी। एक बार ये अच्छे से सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसे चम्मच से उलट पुलट करेंगे। देखिए अब कोटिंग अच्छे से सेट हो गई है, तो हम चम्मच से इसे पलट देते हैं और इसी तरह से अब हम मीडियम फ्लेम पे लगातार इसे अच्छा सा ब्राउन कर लेंगे। तो इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 5 से 6 मिनट में ये आराम से फ्राई हो जाता है, क्योंकि हमने इसे 2 घंटे तक मैरिनेट किया था, जिससे चिकन अच्छे से अंदर तक टेंडर हो गया है। तो इसी तरह से हम स्ट्रेनर में इस चिकन को निकाल लेते हैं और इसी तरह दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकती हैं कि इसकी कोटिंग कितने अच्छे से हुई है और ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। आप इसे हरी चटनी या टमाटो केचप किसी के साथ भी सर्व कर सकती हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इफ्तार में एक बार इसे ज़रूर बनाइए, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।